أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين <applause> أما بعد

दीन इस्लाम के अलावा कोई और दीन अल्लाह की बारगाह में लेकर आएगा तो वो दीन उससे हरगिज क़बूल नहीं किया जाएगा वह मिनल खासिरीन और ऐसा ही शख़्स दर हकीकत खसारा उठाने वाला होगा सवाल ये किया गया कि आज के दौर में दीन की क्या ज़रूरत है यानी जब आज का दौर जिसमें इल्म इतनी तरक्की कर चुका है साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर चुकी है तो आज के दौर में दीन की कोई जगह बाकी नहीं रहती दरिक दर हकीकत ये वो थ्योरी है जो मगरबी फलासफ़र या मगरबी दानिशमंदों ने पेश की है उनके ख़्याल ये है कि आज के दौर में इल्म तरक्की कर चुका है इंसान जहालत से बाहर आ चुका है और सारे जो रमूस थे कायन के वह आहिस्ता आहिस्ता इंसान कश्फ कर रहा है लिहाजा दिन की कोई जगह बाकी नहीं रहती कि इंसान उन्हीं दीन को अपनाए या दीन की रसूमात को अपनाए दर हकीकत जिन लोगों ने ये थ्योरी पेश की है वो ये समझते हैं कि दीन एक इंसान के जहन की अख्तरा है या यूँ कह लें अगर बहुत अच्छा लफ्ज़ इसके लिए मैं इस्तेमाल करूँ तो वो ये समझते हैं कि दीन एक महज़ ख़ुराफात का नाम है यानी इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है फ़खर इंसानी जहन ने एक चीज़ इख्तरा कर ली कर ली है दीन के नाम पर और वो दीन के नाम पर कुछ रसूम और रसूमा अंजाम देते हैं और उसको दीन समझते हैं तो ये जो शख़्स हैं जो ऐसे अफराद हैं जो दीन को इस थ्योरी के या इस आईने से देखते हैं वो ये समझते हैं कि अब इल तरक्की कर चुका है लिहाजा अब उन खुराफात की कोई जगह बाकी नहीं रहती दर हकीकत ऐसे अफराद दीन हकीकी और दीन ग़ैर हकीकी को आपस में मखलूत करते हैं वाकया वो अदियान के जो महज़ इख्तरात पर मबनी है जो इंसानी इख्तरात हैं और जिनका हकीक हकीक़त से कोई ताल्लुक़ नहीं है वो ऐसे ही हैं और अब उनकी कोई जगह बाकी नहीं रहती लेकिन जो दीन हक़ीक़ी है वो दीन कि जिसको अल्लाह ने इंसान की फ़ितरत में रख दिया है वो ऐसा नहीं है बल्कि उसकी एक हकीकत है वो फ़खर इंसान के जहन के इख्त नहीं है कि आप कहें कि इंसान ने अपने जहन से एक दीन बना लिया है ऐसा नहीं है बल्कि क्योंकि खुदा करीम कह रहा है कि फ़रतल्लाती फ़तरन्ना अल्लाह की फ़ितरत व है कि जिस पर अल्लाह ने लोगों को खलक़ फरमाया गोया जब से इंसान है दीन उसके खमीर में मिला दिया गया है यानी अब चाहे इंसान कितनी ही तरक्की क्यों ना कर ले तरक्की उसको दीन से बेनियाज नहीं कर सकती ये बिलखसूस जो दुनियावी इल्म है ये इल्म उसको दीन से बेनियाज़ नहीं कर सकता दीन बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इंसान कहे कि अब इंसान ने बहुत तरक्की कर ली है लिहाजा अब इंसान को भूख की ज़रूरत नहीं है अब इंसान ने बहुत इल्म कर लिया है लिहाजा अब इंसान को प्यास लगने की ज़रूरत नहीं है तो चाहे कितनी भी तरक्की हो जाए चाहे साइंस कितनी तरक्की कर ले चाहे इंसान कितना ही इल्मिल क्यों ना कर ले भूख का लगना एक फितरी अमल है प्यास का लगना एक अमल है अगर इंसान है तो उसको भूख भी लगेगी उसको प्यास भी लगेगी बे नहीं इसी तरीके से दीन इंसान की फितरत में रख दिया गया है इंसान दीन से छुटकारा हासिल नहीं कर सकता इसलिए कि जो इंसान भी इस दुनिया में आ रहा है बहरहाल तीन सवाल उसके जहन में हैं और इन तीन सवालों के जवाब ही दीन की इब्तदा है मौला कायनत अबीमिनली इब्न अबी ताल सला फरमाते हैं कि रहरा वफ़ी एन वैन खुदा उस बंदे पर रहम करे जो ये जानता हो कि कहाँ से आया है कहाँ पर आया है और कहाँ जाएगा ये तीन सवालत हैं अब ये जो तीन सवाल हैं चाहे साइंस कितनी भी तरक्की कर ले इन तीन सवालत के जवाब बहरहाल इंसान को खोजने पड़ेंगे और हर आने वाला इंसान इन तीन सवाल के जवाब खोज रहा है कि मैं कहाँ से आया हूँ और किस जगह पर आया हूँ और इसके बाद क्या होगा कहाँ जाऊँगा या तो इंसान उसके ग़लत जवाब हासिल करे या इंसान उसके सही जवाब हासिल करे जो जैसे जवाब हासिल करेगा उसका दिन वैसा ही होगा जिसने ये सोच लिया कि हम मिसाल के तौर तो पर इस दुनिया में आए हैं चार दिन की दुनिया गुजारेंगे उसके बाद मर खप जाएंगे जिस तरीके से जानवर आते हैं तो ये जो एक नजरिया है थ्योरी है बहरहाल एक थ्योरी है कुरान मजीद ने इसको बयान किया है कि जो कुफ़ार मशरक़ीन है वो कहते हैं कि इन ही हयातनः दुनिया कुछ नहीं है मगर ये कि यही हमारी दुनियावी ज़िंदगी है उसके बाद हम मर खप जाएंगे जिस तरीके से जानवर मर मर जाता है अब आगे कोई ज़िंदगी नहीं है हमारी एक थ्योरी ये तो जो इस थ्योरी के तहत चलता है ये थ्योरी उसकी ज़िंदगी पर अरानंदाज होती है जो समझता है कि यही ज़िंदगी है इसके अलावा और कोई ज़िंदगी नहीं है तो फिर उसके असरात उसकी ज़िंदगी में नज़र आते हैं कि वो ऐश और इशरत की ज़िंदगी गुजारता है वो समझता है कि बस यही ज़िंदगी है अब इसके बाद मुझे कहीं नहीं जाना मेरा कोई हिसाब किताब नहीं होना तो वो लाओबालीपन की ज़िंदगी गुजारता है लेकिन जो क़ुरान ने जो इस्लाम ने थ्योरी दी है कि देखो तुम इस कायनात में आए हो लेकिन एक महदूद मददत के लिए आए हो इसके बाद की जो तुम्हारी ज़िंदगी है वो असल ज़िंदगी है कि जिसको फना नहीं है जहाँ पे तुम हमेशा हमेशा रहने वाले हो उस ज़िंदगी के लिए इसी ज़िंदगी से तुम्हें सरमाया हासिल करना है तो इस थ्योरी के तहत जो इंसान ज़िंदगी गुजारता है उसकी ज़िंदगी बिल्कुल मुख्तल होती है उसकी ज़िंदगी लाओबालीपन की ज़िंदगी नहीं होती उसकी ज़िंदगी ज़िम्मेदाराना ज़िंदगी होती है तो बहरहाल इलम जितना ही तरक्की क्यों ना कर ले ये इस बात में माने नहीं हो सकता कि इंसान दीन से बेनियाज हो जाए बल्कि दर हकीकत दीन इस बात की तारीफ़ करता है सताइश करता है कि इंसान इल्म हासिल करे ताकि इस इल्म के ज़रिए से मज़ीद दीनी अमूर में मार्फत हासिल करे यानी इल्म को इस्लाम ने और दीन ने बहुत अहमियत दी है इल्म के बग़ैर कहा गया कि जाहिल की मिसाल के तौर तो पर हज़ार रकत नमाज आलिम का सो जाना उससे बेहतर है ये सारी अहादीस जो इल्म के बाब में आई हैं क्यों आई हैं ताकि इसी इल्म के ज़रिए से इंसान दीन को समझ सकता है ना ये कि इस इल्म के ज़रिए से इंसान दीन से बेनियाज हो जाए तो हो ही नहीं सकता कि ये जो इल्म है एक तो ये भी देखना पड़ेगा कि आपको कितना इल्म दिया गया है माऊती ऊती तुम मिनल इल्म इल्ला कलीला तुम्हें इल्म नहीं दिया गया मगर बहुत थोड़ा यानी आज इतनी तरक्की हो गई है उसके बावजूद आज भी इंसान खुद अपने नफ्स को यानी अपनी जान के बहुत से ऐसे हिस्से हैं कि जिसके बारे में इंसान नहीं जानता मिसाल के तौर पर आम सी बात है सादा सी बात है मौत की वजह क्या है क्यों आती है इंसान को मौत आज तक साइंस इंसान इन, खोज रहा है कि इंसान क्यों मरता है लेकिन बहरहाल मुमकिन है किसी के जहन में आए क्योंकि मिसाल के तौर पर इंसान का जिसम का कोई हिस्सा को काम करना छोड़ देता है तो भाई वो काम करना क्यों छोड़ देता है मुमकिन है कोई कहे कि क्योंकि इंसान बीमार हो जाता है तो क्या तंदुरुस्त लोग नहीं मरते बहुत से ऐसे लोग हैं जो हट्टे कट्टे बैठे हुए हैं बैठे बिठाए मर गए तो भाई क्यों मर गए मौत क्यों आ रही है तो आज तक इसका जवाब साइंस और इंसान खोज रहा है लेकिन उसके बाद फ़कत एक ही जवाब है जो इस्लाम ने और दीन ने दिया है वो ये कि हर एक की मौत लिखी हुई है जब उसका वक्त आ जाता है तो अल्लाह उसको मौत दे देता है इसके अलावा कोई इसका जवाब नहीं है तो आज तक इतना इल्म तरक्की कर जाने के बावजूद अभी तक तो इंसान ख़ुद अपने आप को नहीं समझ पाया है चे जाए कि आप दूसरी कायनात की बात करें पूरी कायनात की बात करें ज़मीन की और उसके ऊपर जितने स्यारा हैं उनकी आप बात करें और सूरज की बात करें चाँद की बात करें वो तो सब अपनी जगह हैं तो एक तो बहुत थोड़ा इल्म दिया गया है और बहुत थोड़ा इल्म के बावजूद अभी हम सारे के सारे राज कशफ नहीं कर पा रहे हैं और राज का कशफ हो जाना ये एक तरीके से दीन को अपनाने के ऊपर मददगार साबित होगा ना ही कि दीन गुरुजी का सबक बनेगा कि आप दीन से गुरेज करें और दीन को छोड़ दें तो दीन इंसान की फ़ितरत का हिस्सा है किसी भी दौर में किसी भी जगह पर इंसान किसी न किसी दीन को अपनाता है यही वजह कि इंसान की पूरी तारीख दीन से जुदा नहीं है यानी चाहे आप हज़रत आदम से लेकर आज तक हर दौर में दीन रहा है अब चाहे वो सही दीन हो गलत दीन हो भरत दीन रहा है यानी इस्लाम इंसान ने इंसान के अंदर दीन की नियाज और दीन की हाजत बाकी रही है आज तक बाकी है अगर ऐसा होता तो मिसाल के तौर पर मुमकिन था कि एक दौर में दीन बिल्कुल ग्रुए ज़मीन से ख़त्म हो जाता इंसान सारे के सारे इंसान ला मजहब ज़िंदगी गुजारते और इससे बढ़कर जो शख्स ये कह रहा है कि अब हमें किसी दीन की ज़रूरत नहीं है ये ख़ुद एक दीन है जिसको ख़ुद कुरान मजीद ने बयान किया कि आर आई तल्दी मन हवा अला हू हवा हो आपने क्या उस शख्स को नहीं देखा कि जिसने अपना मबूत अपनी हवाए नफ़्स को बना लिया है यानी जो शख्स ये कह रहा है कि मुझे किसी दीन की ज़रूरत नहीं है इसका मतलब ये है कि मैं किसी के तहत तासीर ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता ना मेरा कोई खुदा है ना मेरा कोई रब है मैं अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ जैसा मेरा नफ्स चाहे तो जैसा आपका नफ्स चाहे गोया ये भी एक ज़िंदगी गुजार यानी दीन है क्या दीन दर हकीकत ज़िंदगी गुजारने का एक मुकम्मल दस्तरामल है कि आपको ऐसी ज़िंदगी गुजारनी है जो शख्स दीन को अपनाता है वो दीन के तहत ज़िंदगी गुजारता है जो कहता है कि नहीं कोई दीन नहीं है इसका तो मतलब है कि वो दूसरे दस्तरमल पर अमल पैरा है जो बहरहाल एक दीन है चाहते ना चाहते हुए एक दीन है एक तरीक़ार है एक दस्तरमल है तो पहली बात यह दूसरी बात यह तीसरी बात यह किल्म चाहे जितना ही तरक्की क्यों ना कर जाए जब तक म का मिलाप नहीं होगा तहज़ीब नफ्स के साथ इल्म इंसान की तबाही का सबब बनेगा इल्म इंसान की तामीर का सबब नहीं बनेगा इसकी मिसाल हमारे सामने मौजूद है कि इंसान ने इतनी तरक्की की इल्म इतना आगे बढ़ गया कि एटम बम बना लिया अब एटम बम तो बना लिया लेकिन एटम बम गिराना किस पे है मासूम लोगों पर गिराना है ऐसे लोगों पर कि जहाँ पर पूरी इंसानियत की नस्ल कुशी हुई न सिर्फ उन इंसानों की जो उस वक्त ज़िंदा रह रहे थे बल्कि उनके बाद में आने वाले इंसान भी मरते रहे तो आप इस इल्म को क्या नाम देंगे ये इल्म तबाही का सबब है या तामीर का सबब है इल्म जब तक तहजीब नफ्स के साथ नहीं मिलेगा जब तक नफ्स की तरबियत नहीं होगी उस वक्त तक इम इंसान के लिए फ़ायदे का सबब नहीं बनेगा इसीलिए कुरान मजिद ने शाहरलबा सफ़िलुम और रसुलमिन आयाति वयुकीम व्यमुल किताब वालक्म उदाउंड करीम वह है कि जिसने उम्मीन में एक रसूल भेजा जो हमारी आयात की तिलावत करता है और तज़िया नफ़्स करता है व्युअम हमुल किताब वालकम और किताब की तालीम देता है इलम का मरतबा बाद में रखा पहले कहा कि तज़िया नफ़ करता है फिर किताब हमत की तालीम देता है तो इल्म को मिला दिया इस्लाम ने तहजीब नफ्स के साथ तो ये जो तहज़ीब नफ्स है ये कहाँ से मिलेगा आपको ये तहजीब नफ्स सिवाए दीन के और कहीं से नहीं मिल सकता तो इंसान चाहे जितना भी तरक्की कर ले जितना ही इल्म क्यों ना हासिल कर ले ये इल्म में तरक्की करना ही उसको मजबूर करेगा कि वह किसी दिन को अपनाए वरना बग़ैर दिन के अगर इंसान इल्म हासिल करे तो वो महजब नहीं हो सकता और बग़ैर इल्म बग़ैर दीन के इंसान सादत की मंजिल पर नहीं पहुँच सकता व आखर दावान अलहमदिल्ल रबालमी